हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतिशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट हो चुका है, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया। इनफैक्ट उस पर कुछ ऐसे सवाल कराए जो इस साल आए हुए भी थे। तो बस आज के सेशन में आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले में इंडल्ज नहीं होऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको खुद याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे। कुछ बेसिक जानकारी मैं दे दूंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले यहां पर समझ लीजिए, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपके कई फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बात करूंगा कुछ बेसिक फॉर्मूले की जो आपको याद रखने हैं। बाकी फॉर्मूले आप खुद याद रखिए, क्यों? क्योंकि वो याद रखना जरूरी है, ओके? मैं यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बता दे रहा हूं, बाकी टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू के फॉर्मूले भी होते हैं। तो मैं एक लिखे दे रहा हूं, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिए, इस तरीके से आपके फॉर्मूले बाकी सारे होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? हाफ ऑफ बी सी ए बी साइन सी। अगर आप दो साइड्स ले रहे हैं, जो सी दो साइड्स ले रहे हैं उसका तीसरा वाला जो साइड है उसके सामने का एंगल आप लेंगे साइन के साथ, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने बी सी लिया तो साइन ए, ठीक है, सी ए लिया तो साइन बी, और बाकी डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको दो रूल याद रखने होंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल आपका होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। भाई ए का मतलब एंगल ए के सामने की साइड, बी का मतलब एंगल बी के, और सी का मतलब एंगल सी, ठीक है। कोसाइन रूल में आपको यह ध्यान रखना है कि जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके सामने की साइड हमेशा नेगेटिव स्क्वायर में होगी। अगर आप कॉस ए को ले रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी को ले रहे हैं तो माइनस बी स्क्वायर, कॉस सी को ले रहे हैं तो माइनस सी स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। टारगेट हमारा 2021 का एनडीए का एग्जाम है, तो वो ध्यान में रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पहले वाले वीडियोस में समझा चुका हूं, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल आपको समझना जरूरी है। कह रहा है इफ साइन ए साइन सी का रेशियो साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी के रेशियो के बराबर है, तो ए बी सी क्या है? कुछ करते हैं, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। भाई यहां पे ए है तो आपको पता है एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना होता है? 180। तो आप एंगल ए को क्या बोल सकते हो? 180 माइनस बी प्लस सी, क्या ये बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहां पे रखो साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी, ओके। सिमिलरली सी को क्या रख सकते हो? साइन ऑफ 180 माइनस ए प्लस बी, ओके, ये आपने रखा। अब ये आपको पता है साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ बी माइनस सी एज इट इज, चल रहा, चलने दो भाई। आपको ये पता है कि 180 माइनस थीटा जो होता है, ये थीटा मान लो, वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कॉसेक, ओके। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी, ठीक। मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, फिर यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये बनेगा आपका साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सिमिलरली ए प्लस बी, ओके। अब ये साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ बी माइनस सी एज इट इज है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी, भाई कुछ दिख रहा होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी। अब जरा गौर से देखो, आप सभी को पता है कि ये वैल्यू मैं रफ कर दे रहा हूं, आप सभी को पता है साइन ऑफ ए माइनस बी
और ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली बी प्लस सी और बी माइनस सी की क्या होगी, साइन ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां पे ये साइन स्क्वायर बी इस साइड आएगा तो ट्वाइस ऑफ, मैं कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए समझते जाइए, रूल आपको पता होना चाहिए, कहां रूल लगा, ये रूल लगा है। ओके, ये ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब साइन रूल में आप सभी को पता है कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी के बराबर के कांस्टेंट होता है। तो आप के टर्म पे रखोगे तो के एलिमिनेट हो जाएगा दोनों जगह से। यानी कहने का मतलब है जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा, बस ये ध्यान रखिए, फाइनल आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर रिलेशन एपी में तो है बट एपी में ए बी सी नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। बात समझ में आई? तो ये पहला सवाल था जिसे आपको इस तरीके से करना था। मैंने लेंदी करके दिखाया है लेकिन आपको पकड़ लेना था, कैसे, यहां पर ही पकड़ लेना था कि शक कैसे होना चाहिए। देखो जरा गौर से, शक होना चाहिए ए और सी क्यों दिया है। ठीक है, चलो इसमें ना हो पर इसमें तो शक होना चाहिए ए और सी क्यों दिया है, क्योंकि ए दिया तो इसका मतलब है बाकी दो एंगल नहीं दिए, सी दिया तो बाकी दो एंगल नहीं दिए और वो दोनों एंगल इन दोनों से मैच कर रहे हैं। बस हमारा काम बन गया, हमें कुछ नहीं करना था, इजी फॉर्म में हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ऑलराइट, चलिए इस सवाल को देखिए, यहां पे कैसे करेंगे आप। कह रहा है इफ टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू देन ए बी सी आर एन। अब भैया अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, टेन ए बाई टू क्या होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस ए, यही होता है ना भाई। अब मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वन बाई टू। अब भाई देखो जो जो एलिमिनेट हो रहा है एलिमिनेट कर दो, क्या एलिमिनेट हो रहा है, देखो एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस ए, अब नहीं हो रहा है कुछ तो बाहर क्या आएगा, एस माइनस बी अपॉन एस इज इक्वल टू वन बाई टू। यानी आप यहां पे देखें तो यहां पे मिलेगा आपको 2s माइनस 2b इज इक्वल टू s, यानी s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2b। ठीक है, और ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 2b, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4b। यानी इसका मतलब है a प्लस सी बराबर 3b, यानी ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ना ये AP है ना ये HP है ना ये GP है। तो आंसर कौन सा हुआ, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे सवाल, ये सारे सवाल छाट छाट के रखे हैं मैंने ताकि आपको पता है, इस तरीके से रखे हैं ताकि आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएं, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो कोई सवाल आपसे फंसेगा नहीं। इस सवाल की तरफ देखिए, अब यह सवाल कैसे करेंगे आप। कह रहा है इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द टू लार्जर साइड्स आर 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब एंगल क्या है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यही है ना। अब क्या कर सकते हो भाई, आगे यहां पे दिमाग लगाइए, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है। ओके, और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180। तो इसका मतलब है यहां पे a प्लस सी ऑलरेडी कितना है, 2b, b मिला दो तो हो गया 3b, 3b बराबर 180, तो b एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। जैसे ही b एंगल मिला आप लगाएंगे कोसाइन रूल, क्यों, क्योंकि आपको दो बड़ी साइड्स पता है। ठीक, अब यहां पे आप लगा देंगे cos ऑफ b इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब cos b क्या होता है, cos 60। ठीक, ए स्क्वायर, अब देखो दो बड़ी साइड आपको पता होनी चाहिए, दो बड़ी साइड, देखो ये एंगल 60 आया है। ठीक है, 60 आया है, हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा हो तो यहां पे बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स बराबर होती है। इसका मतलब है ये एंगल कोई सा है, तो एक कोई साइड ये वाली,
बड़ी वाली है, दूसरी छोटी वाली, तो आप क्या करेंगे सोचिए, यहां पर दिमाग लगाइए, cos 60 होता है कितना 1/2। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आपको अगर दो बड़ी साइड्स पता हैं, ठीक है, दो बड़ी साइड्स पता हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पे रखोगे 2 into, भाई अगर आप यहां पे 10 रखो तो ये 100 हो जाएगा, यहां पे 9 रखो तो ये 81 हो जाएगा, तो ये -19 हो गया, ठीक, और ये कट जाएगा, ये 10 रखोगे, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे अब ऐसा, ये चीज समझो, 19 तो बनना ही बनना है, यानी आपको वैल्यू चाहिए किस तरीके की, चलिए देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा समझते हैं, चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करेंगे हम ए की 10 और बी की 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 + c² - 81/2 × 10 × कितना हो जाएगा c = 1/2, तो 2 का किस्सा खत्म। अब यहां पर आप देखो तो जरा गौर से, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, c² - 10c + 19, भाई इसके फैक्टर नहीं हो रहे, लगाइए श्रीधराचार्य, -b + 10 हो जाएगा, ठीक है, +10, ओके, -b + 10 +√b² - 4ac, 4ac का मतलब 76 / 2a, तो 2a तो 1 है, ये हो जाएगा 10 + √24/2, यानी आपको ये वैल्यू देगा कितनी, 5 प्लस बाहर कितना आएगा भाई यहां से 4, 4 का मतलब 2, 2 का मतलब 2 गया तो बचा कितना 6, तो 5 + √6, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है, सी वाला उत्तर करेक्ट है, ठीक है, इस सवाल को इसी तरीके से करना है, ध्यान रखिए किस तरीके से आपको सवाल को डील करना रहेगा। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 45 है, एंगल बी 75 है, ठीक है भाई, तो a + c √2, चलो ठीक देखते हैं, यानी हमें यहां पे दिया है एंगल ए 45, एंगल बी 75, तो इसका मतलब है एंगल सी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पे a + c का रूल चाहिए, अब ये आप कैसे करेंगे, यही चीजें आपको समझनी है, तो यहां पे a + c का अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, sin a / a, sin b / b, यही चीजें हम निकाल सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं। अब हम यहां पे वैल्यू जो निकालना है a + c √2, यानी अब यहां पे समझिए a + c √2 क्या होगा आपका, आपको पता है साइन रूल क्या कहता है, के साइन ए हो जाएगा ये, ठीक, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा के साइन सी, और साथ में √2 रहेगा, यानी अब साइन ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, साइन ए है साइन 45, ठीक है, और √2 × k sin c कितना है, साइन सी आपको 60 है, अब 60 कितना होता है √3/2, ठीक, ये हो गया, यानी यहां पर मिला k कॉमन ले लो 1/√2, ओके, प्लस अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर आप देखो तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो यहां पर आपका 2 और 2 गया, ठीक, तो ये हो जाएगा √3/√2, यानी ये वैल्यू हो जाएगी के √3 + 1/√2, इतनी वैल्यू आपके सामने आ गई, ठीक, ये वैल्यू है, लेकिन यहां पे के का नहीं वैल्यू पता है, जबकि के की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, के बराबर होगा b / sin 75, हमने क्यों b दिमाग में आया, क्योंकि आपके ऑप्शन देखिए b में भी है, तो यहां पर आप क्या करोगे, अब साइन 75 दिया हुआ है, साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, निकालना आसान है, सभी लोगों को पता है भाई, अगर आप निकालना भी सीखो तो ये साइन 75 कैसे निकलेगा, साइन 45 + 30, इसके ही रूप पे निकलेगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी जो ये आपकी वैल्यू आएगी तो के बराबर क्या होगा b / अब देखो साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए 1/√2, कॉस बी क्या होता है, कॉस बी कितना होता है भाई √3/√2, तो ये हो जाएगा √3 और कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन बी यानी √3 + 1/√2, यही आएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√2। अब जरा गौर से देखो यहां पे आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है, अगर आप जरा गौर से देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें आंसर दिख जाएगा, देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया के √3 + 1/√2,
और यहां पे मैंने 1 बाई टू अलग कर दिया, क्यों, उसका रीजन है बी, इतनी वैल्यू आपकी किसके बराबर है भाई, ए प्लस सी रूट टू के बराबर, और ये बराबर हो जाएगी फाइनली 2b के। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, डी वाला। इस तरीके के कुछ मजेदार सवाल हैं, ध्यान रखिए, ठीक है, तो इन सवालों को देखते रहिए, करते रहिए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, जरा गौर से देखो, बी प्लस सी माइनस ए, टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू है, इसका मतलब है हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। चलो पहले तो हम इसको एज इट इज रखते हैं, बी प्लस सी माइनस ए, टेन ए बाई टू क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, जो एंगल दिया होता है हाफ में उसके ऑपोजिट वाले जो साइड होती हैं उनको आप पहले न्यूमरेटर में रखेंगे और फिर डिनोमिनेटर में एस एस माइनस दैट एंगल। अब यहां पर अभी भी फंस रहा है, क्या फंस रहा है, जरा गौर से देखो, आपको पता है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2s माइनस ए। तो जब 2s माइनस ए इतने की वैल्यू पुट करोगे आप, ऑलरेडी माइनस ए है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ s माइनस ए। अब जब ये स्क्वायर रूट में जाएगा ये ट्वाइस ऑफ s माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, देखती है, देखते जाइए, 2 का स्क्वायर s माइनस ए का स्क्वायर, यहां पे s माइनस बी s माइनस सी, देखते जाओ एडजस्टमेंट चल रहा है, अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो s माइनस ए एक गया, ठीक। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, जरा गौर से देखिए, ये आपको मिलेगा 4 s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय s, ठीक है, डिवाइडेड बाय s। अब यहां पे खुद सोचो ये आपका क्या है भाई, सोचिए, ये तो आपका 2 है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है, आपका एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ना, यहां पे आपका एस गायब है, तो आप एक एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस आपका 2 बाय एस बाहर आया और ये आपका डेल्टा हो गया, तो यहां पे 2 डेल्टा बाय एस इज द करेक्ट आंसर। तो ये तरीका है सवालों को डील करने का, इन सवालों को समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, ओके। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कैसे करेंगे, ये सवाल किस तरीके से करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, चलो समझते हैं। देखो यहां पे दिया है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, तो पूछ रहा है देन ट्राइंगल ए बी सी क्या है। अब बात ये आ रही है, आप इसको भी क्या किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आप इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर लीजिए, तो आपकी ये वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। अब आप देखो दिक्कत हो सकती है जब आप यहां पे क्या लगाएं, जब आप यहां पे लगाएं कि यहां पर आप क्या कर सकते हो भाई, यहां पर आप ये चीज समझिए, देखो यहां पर आप क्या करो कि आप यहां पर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, कोसाइन रूल लगाओ, कोसाइन रूल में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि लेंथी फॉर्म जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 1 कब पॉसिबल है, 1 कब पॉसिबल है, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, अगर ये आप सोच ले गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, बस यही चीजें आपको समझनी है, एग्जामिनर आपको यही चीज पे घुमाता है और यहीं पे आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए, अब देखिए यहां पे सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से नहीं, देखिए सिंपल लिखा रहने दिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, तो इसका मतलब है भाई कुछ कंडीशन है, या तो इक्विलेटरल या राइट एंगल या आइसोस्केल या नन ऑफ दीज। अब बात यह आ रही है कि कैसे बनेगा, देखो अगर हम इसको 60-60-60 माने, सबको 60-60-60 माने, चलो ए बी सी को 60-60-60 मान लेते हैं, तो यहां पर जरा गौर से देखो, कॉस स्क्वायर 60 होता है 1 बाई टू, है ना, कॉस 60 होता है 1 बाई टू, 1 बाई टू का मतलब क्या हो गया 1 बाई फोर, यानी 1 बाई टू बना, लेकिन ये क्या होता है ये 3 बाई फोर बन जाएगा, तो ये तो मैच नहीं किया, इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं। अब हम देखते हैं आइसोस्केल, लेकिन उसके लिए पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल जाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं भाई, बी का है ना, बी को हम 90 डिग्री मान लेते हैं,
इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी वन के बराबर है, होगा कि नहीं होगा? अब आप यहां पे समझिए, अगर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी वन के बराबर है तो आपको पता, अगर सॉरी हाँ, अगर बी आपने 90 डिग्री मान लिया तो बाकी के एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पर आप सबको समझना है कि अब हम यहां पे देखें कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर हम यहां पे देखें कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस ए, मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये आपका वन होता है। इसका मतलब है एल एच एस आर एच एस के प्रूव हो रहा है, लेकिन किस कंडीशन में? राइट एंगल। अब आप कहोगे सर आप एक चीज मिस कर रहे हो, ए और सी दोनों 45 हो सकते हैं, पर ये गारंटी कहां है कि यहां पे 45 ही होंगे? ये बात समझिए, यहां पे ये गारंटी नहीं, हमें बस इतना पता है कि उन दोनों का स्क्वायर का सम क्या होगा, वन होगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझनी है कि किस तरीके से हो सकता है, ये हमको नहीं पता, बट देखो राइट एंगल है बट नॉट नेसेसरीली आइसोस्केल है। तो आपका आंसर जो होगा यहां पे, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, आंसर आपका बी वाला ही होगा, ठीक है? आंसर आपका बी होगा, आइसोस्केल नहीं बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल था, इसको आपको ट्रिकी मेथड से ही करना भी था। तो भाई अगर समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो शेयर और लाइक जरूर कर देना, ठीक है? अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे फॉर्मूले, लॉट्स ऑफ फॉर्मूला है, आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। क्यों? क्योंकि हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनवर्स होता क्या है, जैसे अगर हम एफ ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है, और हमारा ये के बराबर है सपोज कर लो, तो हमारा जो x का फंक्शन होगा वो x की जो वैल्यू होगी वो इनवर्स ऑफ k f ऑफ k के बराबर होगी, ठीक है? इनवर्स, तो इसी को हम क्या बोलने लगेंगे, इनवर्स फंक्शन बोल देंगे। डोमेन कन्वर्ट हो जाएगा रेंज में और रेंज कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में, दैट्स इट, ऑलराइट? तो ये सारे रूल्स हैं, आपको समझ लेने हैं, ये ध्यान में रखिए। मैं पढ़ा चुका हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा चुका हूं, इनफैक्ट उससे सवाल भी हमारे फंसे हैं, तो आपको बस पढ़ते रहना है, सारे तरीके सिखा दूंगा। अभी मैं एमसीक्यूज आपको करा रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? पहले सवाल की तरफ चलें, अगर हम तो पहला सवाल देखें, इफ टैन इनवर्स टू टैन इनवर्स थ्री आर टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन व्हाट इज द थर्ड एंगल? तो भैया देखो, मान लो ए बराबर टैन इनवर्स टू है, बी बराबर टैन इनवर्स थ्री है, सी का पता नहीं, हमें एक चीज तो पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, पाई, पाई का मतलब 180। अब जरा गौर से देखो, तो सी बराबर हो जाएगा पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, ओके, तो सी बराबर हो गया पाई। अब यहां पे क्या होगा, टेन ऑफ इनवर्स टू प्लस टेन ऑफ इनवर्स थ्री, हो गया। अब यहां पे देखते जाओ, अब आपको पता है कि टेन ऑफ इनवर्स एक्स और टेन ऑफ इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, तो सी बराबर हो जाएगा पाई माइनस टेन ऑफ इनवर्स होल टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस टू इंटू थ्री, यही होगा। तो यहां पर आपको मिल गया अच्छा खासा फॉर्मूला के साथ और इजी मेथड में, मैं कलर चेंज कर लूं आपको समझ में आएगा। सी बराबर पाई माइनस टेन ऑफ इनवर्स, ये हो जाएगा पांच, ओके, और ये हो जाएगा एक माइनस पांच यानी माइनस ऑफ पांच, तो पांच बटे माइनस पांच यानी ये गया, यानी सी बराबर हुआ पाई माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन। अब आपको पता है माइनस वन क्या होता है, भाई पाई बाई फोर पे क्या होता है वन, और थ्री पाई बाई फोर पे माइनस वन, तो यहां पे सी हो जाएगा पाई माइनस थ्री पाई बाय फोर, यानी उत्तर जो आपका आएगा वो पाई बाय फोर आएगा। और ये बात ध्यान में रखिए, ये सवाल आपका पूछा गया है, तो ट्रेंड समझ लीजिए, कुछ मजेदार सवाल चल रहे हैं, मन लगा के पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं पढ़ेंगे दिक्कत ही दिक्कत होगी, ठीक है? कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, यहां मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ऑल यू नीड इज अ मेथड, ठीक है? इस सवाल को देखिए, यह सवाल आप कैसे कर सकते हैं, यह सवाल देखिए आपके समझ में क्या आ रहा है, साइन ऑफ इनवर्स फोर बाय फाइव प्लस टू टेन ऑफ इनवर्स वन बाय थ्री। अब ये कैसे करोगे, चलो देखते हैं कैसे होता है।
चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको चाहे तो इसे साइन में कन्वर्ट कर लो या टैन, मैं तो कहता हूं दोनों को टैन में कन्वर्ट करो, आसान हो जाएगा। अब अगर अब इस फॉर्मूले को टैन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है साइन ऑफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। साइन ऑफ इनवर्स एक्स जब टैन में कन्वर्ट होगा तो टैन इनवर्स क्या, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, ठीक है, चार बटे पांच बटे अंडर रूट ऑफ वन माइनस चार बटे पांच का होल स्क्वायर। ठीक, अब टू टैन इनवर्स अगर कन्वर्ट होगा टैन में ही तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का, ठीक है, वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे समझिए अब ये क्या होगा, टैन इनवर्स यहां पे टू इंटू वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय नाइन, समझ लीजिए इतना आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं जगह खाली करना चाह रहा हूं, ये जगह खाली कर देता हूं, ओके, ये जगह आपकी खाली हो जाती है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका मिला टेन ऑफ इनवर्स, जरा गौर से देखिए, चार बटे पांच और यहां पर तीन बटा पांच हो जाएगा, तो चार बटा तीन। ठीक, ये कितना है, दो बटा तीन और आठ बटा नौ। तो अब यहां पे देखो दो बटा तीन और आठ बटा नौ, तो ये गया आपका तीन तीन और ये गया आपका चार, यानी इसका मतलब है ये टेन इनवर्स तीन बटे चार। भैया जरा गौर से देखो, ये आपकी वैल्यू टेन ऑफ इनवर्स एक्स कॉट ऑफ इनवर्स वन अपॉन एक्स के बराबर होता है, तो यही चीज आपकी कॉट हो जाएगी, यानी आपका टेन ऑफ इनवर्स चार बटा तीन प्लस कॉट ऑफ इनवर्स चार बटा तीन, और ये जब दोनों में एक्स सेम होता है तो जाहिर सी बात है ये पाई बाय टू के बराबर होगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू के बराबर है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसे दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए टेन में और काम आपका आसान। डिड यू गेट दैट। तो भाई अगर समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो शेयर लाइक जरूर करते जाओ। इस सवाल को देखिए, इस सवाल बहुत मजेदार है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। अब कैसे करोगे ये चीज समझो, हमें क्या करना है, हमें तो भाई देखो मुझे इस पे इस टाइप के सवालों पे शक होता है, या तो इनका एक आता है या जीरो आ जाता है, और मुझे इसमें एक दिख नहीं रहा, इसका मतलब आंसर मुझे जो दिख रहा है वो जीरो दिख रहा है। अब शंका है, शंका को दूर कैसे करें, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। भाई इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, आप सभी को पता है, मान लेते हैं टेन ऑफ इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, तो टेन ऑफ इनवर्स, देखो ये सब जितना मैं लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ये इतना मेरे दिमाग में है कि मैं इसे डायरेक्ट मान के कर सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा, अब जरा गौर से देखो, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, माइनस कॉट। अब ये क्या हो जाएगा भाई, अब आप खुद सोचो, इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे कॉट को टेन में, तो ये होगा पाई बाय टू माइनस ऑफ टेन ऑफ इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं होगा, प्लस पाई बाय टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई प्लस पाई बाय टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स जेड। देखते जाइए, मजेदार खेल चल रहा है, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कॉट, देखो इतना मैं लिख सिर्फ तुम्हारे ले रहा हूं, अब ये हो जाएगा थ्री पाई बाय टू माइनस ऑफ क्या, अब इसको मैं अल्फा बीटा गामा लिख सकता हूं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब भाई आप सभी को पता है थ्री पाई बाय टू आपका, थ्री पाई बाय टू कितना हो जाएगा, तीन गुणे नब्बे यानी 270, 270 में कॉट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टैन में, 270 कहां है और माइनस है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बस कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है, चेंज कर लेता है अपना रेशियो। ठीक है, तो कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर टैन होता तो कॉट में, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, टैन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये और ये गया, मैंने आपसे जैसा बोला था वैसा ही आंसर आ रहा है। भाई समझ कर करो, कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाली, ओके, मजा आया। चलो इस सवाल को देखिए, ये सवाल आप कैसे करेंगे, देखो ये सवाल मैं पेन छूंगा ही नहीं, हालांकि आप रूल लगा सकते हैं भाई कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, पर मत करो, मेरी बात मानो मत करो, क्यों, क्योंकि एक छोटी सी इक्वेशन दी, अगर उसको भी नहीं कर पाए तो भाई क्या करोगे, हमें दिया है cos of inverse x is equal to twice of sin inverse x।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पाई बाई टू गया और जीरो गया, तो ये दोनों गए। क्यों गए? क्योंकि अगर तुमने यहां पर अगर यहां पे वन रखा तो भैया यहां पे वन होगा, ये जीरो में कन्वर्ट होगा, और जब वन रखोगे तो ये नब्बे में कन्वर्ट हो जाएगा, नब्बे जीरो के बराबर कभी नहीं आएगा, तो ये पाई बाई टू का किस्सा खत्म यहां पर, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक ही पॉसिबिलिटी होती है भाई, अगर साइन 30 को देखें तो वो आता है 1/2, कॉस 60 को देखें तो वो आता है 1/2, साइन 30 होता है पाई बाय 6 और cos 60 होता है पाई बाय 3, तो अगर जाहिर सी बात है अगर दो से डिवाइड किया गया तो काम बन जाएगा, यानी अगर हम यहां पे 1/2 पुट करें तो 1/2 पुट करोगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, पाई बाय 6 आएगा, और 2 पाई बाय 6 का मतलब ये पाई बाय 3, तो भैया यहां पे 1/2 पाई बाय 3 के बराबर, यानी इसका मतलब हमारा आंसर हमें प्रूव करना ही नहीं था, हमें मतलब जो है सॉल्व करना ही नहीं था, हमें तो यहां पे हिट एंड ट्रायल मारना था। बात समझ में आई? तो यहां पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, अगर मजा आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ये रहा आपका 6 सितंबर का क्वेश्चन। अब यहां पे समझिए किस तरीके से आपको इसे करना है। इस सवाल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जरा गौर से देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे दिया है tan 3a डिवाइडेड बाय tan a इज इक्वल टू k। अब आपसे पूछ रहा है tan square a बताओ, जबकि tan a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज नॉट इक्वल टू 1/3। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। tan 3a का फॉर्मूला आपको मुंह जबानी रटा होना चाहिए, क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और ये ऑलरेडी डिवाइडेड tan a से, बराबर होगा के बस चलो हमारा काम बनता जा रहा है। हमने tan a को उड़ा दिया, जितना पावर जा सकता था गया। अब ये हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर a, ओके, इज इक्वल टू k माइनस 3 के tan स्क्वायर a। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, तो ये आपका क्या होगा, 3 उधर भेजो और tan स्क्वायर a को इधर लेके आओ, यानी ये आपका 3k tan स्क्वायर a। अब भाई देखो, मैं मेरी आदत नहीं इतना लिखने की, मैं मुंह जबानी ज्यादा जल्दी कर लेता हूं, तो tan स्क्वायर a कहीं कहीं पे एरर हो जाए तो परेशान मत होना। तो आपका आंसर क्या है, अब इसको हटाओ यहां से 3k माइनस, अब मैं इतना स्टेटमेंट नहीं लिख के दिखाऊंगा, सब्जेक्टिव सवाल नहीं है, ठीक है, इतना अंडरस्टूड आप सब समझ जाइए। तो यहां पे k स्क्वायर tan स्क्वायर a बराबर क्या हो गया, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, ध्यान रखिए। इस सवाल को जरा गौर से देखिए भाई, ये क्या कह रहा है, tan 3a अपॉन tan a इज इक्वल टू k, वही है। तो आपसे पूछ रहा है फॉर रियल वैल्यूज tan a कैन नॉट बी, तो अभी देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाला, tan स्क्वायर a बराबर कितना है, हम ये निकाल चुके हैं, tan स्क्वायर a बराबर ये कितना दिया हुआ है, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। भाई tan स्क्वायर a जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया था, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। अब यहां पे आप क्या करोगे, जरा गौर से देखो, अब आपको पता है tan a की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, क्लियरली ये आपको पता है कि 3k माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब है k कैन नॉट बी इक्वल टू 1/3 एज इट इज गिवन, बट k माइनस 3, यानी ये भी आप बोल सकते हो k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 इज have to be greater than equal to 0, यानी k should be equal to 3, यानी जो आपकी value lie करेगी वो आपकी क्या 3 से बड़ी, यानी 3 और 1 से 3 के बीच में, 1/3 के बीच में नहीं lie करेगी। भाई आप खुद सोचिए, ये 3 है, सॉरी ये 1/3 है और ये 3 है, तो ये तो इसका हो ही नहीं सकता, ठीक, और ये क्या है, ग्रेटर है, उस साइड जा रहा है, तो भाई इसके बीच की वैल्यू नहीं लाई करेगी, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। चलो चलिए इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल देखिए आपका है, ये 3 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, एनडीए 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। भाई ये स्मॉल लेटर्स में होगा, मैं एक बार लिखे दे रहा हूं, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी, ऑलराइट, और ये दिया हुआ है पी टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू टेन वाई, ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यहां पे हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिए,
हमें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स चाहिए, और टेन स्क्वायर एक्स, एक्स कहां पर है, ये फर्स्ट इक्वेशन में है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, तो इसी को हम साइन स्क्वायर में और टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहां से भाई हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देखो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। अब जरा गौर से देखो, अगर आपने इसे कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये कॉस में बदल जाएगा, इसे करोगे तो ये साइन में बदल जाएगा, तो पहले हम साइन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये आपका मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी जिसको आपने कन्वर्ट किया वो दोनों बाकी से किसमें होगा, रिलेशन में नेगेटिव में होगा, ठीक। चलो अब जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आप जब साइन स्क्वायर यानी ए फॉर्म वाले को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका, बस एक ध्यान रखना, ए माइनस सी अपॉन बी, सॉरी ए माइनस बी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, करके आप देख सकते हैं भाई, यहां पे देख लो, अगर आप ए माइनस ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, मैं करके इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये a माइनस सी होगा, तो यहां पे आपका माइनस कॉमन ले लोगे तो बराबर, तो a माइनस बी, तो इसलिए ध्यान में रखिए, ठीक है, उठा के डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट, ठीक है, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, और c माइनस बी a माइनस सी आ जाएगा, c माइनस बी a माइनस सी माइनस बी a माइनस सी, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन, देखिए यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि सवाल आपका पूछा किस तरीके से जा रहा है। अगला सवाल सिमिलर पैटर्न पर है, क्या कह रहा है, डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। अब डी माइनस ए, चलो ठीक है, देखते हैं भाई, डी माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस, अब देखो यहां पे डी आपको दिया हुआ है बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई माइनस ए एज इट इज रख लो, ठीक। अब यहां पे क्या है, बी माइनस डी, तो बी आपको नहीं पता है, डी पता है आपको, क्या है, बी साइन स्क्वायर y प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा ये टर्म, ये टर्म आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, यानी b साइन स्क्वायर y माइनस a साइन स्क्वायर y, ठीक है, हमने a कॉमन लिया और 1 माइनस, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या होगा, b माइनस ऑफ, अब भाई देखो यहां पे जाहिर सी बात है b को एलिमिनेट करना है तो हमें कन्वर्ट करना होगा इसे, यानी b 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा a कॉस स्क्वायर वाई। अब यहां पे b देखो एलिमिनेट हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, तो यहां पे कॉस स्क्वायर कॉमन हुआ, ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉमन हुआ, और b माइनस ए, b माइनस ए, तो यहां पे b माइनस ए साइन स्क्वायर वाई अपॉन b माइनस ए कॉस स्क्वायर वाई, भैया ये गया टेन स्क्वायर वाई इज द फाइनल आंसर। तो ये सवाल आपका इस साल के एनडीए 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके का लॉजिक लगाकर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल की तरफ देखिए, यहां पे पूछ रहा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, जाहिर सी बात है अब हमारा इसका इस्तेमाल होगा, पहले दो में ये इन दोनों का इस्तेमाल हो गया, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, कन्वर्ट करो, यानी पी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर वाई। भाई पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। याद करो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, मैंने क्या बताया था भाई, देखो ये तो हमें पता है c माइनस बी अपॉन, मैं कलर चेंज कर लू, c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ठीक है, लेकिन टेन स्क्वायर वाई कैसे निकालोगे, तो टेन स्क्वायर वाई सिमिलरली निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं कैसे। आपको पता है कि भाई यहां पे टेन स्क्वायर एक्स आपने जब किया था तो यहां पर क्या हुआ था, जरा गौर से देखिए, मैं इधर लेके चल रहा हूं, देखो यहां पे c माइनस बी ए माइनस, भाई देखो यहां पे जो था ना a माइनस बी, और यहां पे क्या था, यहां पे भी a माइनस बी हो रहा था, ठीक है, बस फर्क यह था कि ये a माइनस सी हो गया था, a माइनस सी हो गया था, तो
तो क्या हम इसे निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे a माइनस सी न्यूमरेटर में जहां होगा आंसर बन सकता है वहां पे, लेकिन हम इसे सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देखो, आप b साइन स्क्वायर y एज इट इज रखो, यहाँ पे a माइनस ए साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू d। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर बन रहा है साइन स्क्वायर y को आप देखें तो क्या बन रहा है, d माइनस a अपॉन b माइनस a। देखो यहां पे कन्वर्ट इसको किया तो d में से a गया और b में से भी a गया, ठीक है। तो cos स्क्वायर y क्या बनना चाहिए, cos स्क्वायर y बनना चाहिए। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इस ये घटेगा आप सब में से, यानी b माइनस क्या d अपॉन b माइनस a, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो b माइनस a गया, यानी आपका tan स्क्वायर y जो मिलेगा वो मिलेगा आपका d माइनस a अपॉन b माइनस d। बस लगा दो, हो गया काम आपका, यानी आपको मिल रहा है d माइनस a a माइनस c अपॉन c माइनस b b माइनस d। अब जरा गौर से देखो कौन सा मैच कर रहा है भाई, c माइनस a और a माइनस d, ये प्लस हो जाएगा b माइनस c और d माइनस b, तो भैया आपका ऑप्शन कौन सा है, b वाला, ठीक है। इसमें बहुत माइंड ट्विस्टिंग सवाल है, ये बात ध्यान में रखिए, पर परेशान होने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से सिखा रहा हूं सीखते जाओ, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, तो भाई इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि सीडीएस की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, आप डी कोड एग्जाम के ऐप पे जाकर उसे अवेल कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप उसे मॉक फ्री है वो जाकर दे सकते हैं। देखिए एग्जाम आपका नजदीक है, एफ कैट का पेपर आज है सभी का, तो आई होप आप सभी ने जिसने दिया होगा अच्छा ही गया होगा आई होप, बस तैयारी शुरू कर दीजिए जिनका सीडीएस है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हो कि टेस्ट हमें लगाना, देखिए टेस्ट हमने एक एक हफ्ते के इंटरवल पे दिया हुआ है ताकि आप एक हफ्ता उस टेस्ट को दें तो असेस करें, तो ये एक टाइम पीरियड है, अगर आप अभी अवेल नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिपेरेशन के लिए हमने जैसे बनाया एक्सप्लेनेशन, उसमें जाके देखेंगे आप, इतना गजब का एक्सप्लेनेशन है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस टिल देन यहीं तक के, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, बने रहिए।